अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सरकार फ्रेंड, यू आर वॉचिंग बबी ब्लॉग, वेलकम टू माई चैनल। और ये इन्होंने खोली अलमारी और मैं कर रही बंद, क्योंकि ये देखें जरा खलारा। तो नाश्ता कर लिया है, टाइम हो रहा है 9 का, वो आप देख लें, ठीक है। और ये हो गए हैं लेट, लेट तो खैर नहीं हुए, जोर से तो नहीं मैंने मारा, इतने प्यार से मारा था, लुक एट मी। तो नाश्ता कैसा लगा आज का? बहुत मजा आया आज नाश्ते का। रोज नहीं आता? रोज नहीं आता मजा। तो मेरी कबर्ड कितनी साफ है और इनकी कबर्ड देखें, और जब मैं साफ करती हूँ तो 2 दिन में कबर्ड का हो जाता है बेड़ा गरक। तो इसलिए मैंने, आप मेरी भी कबर्ड साफ कर दो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, नहीं कबर्ड रिक्वेस्ट है आपसे, कि आज की बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी अलमारी ठीक कर दीजिएगा, वेरी थैंकफुल टू यू। और कपड़े धो के देने के लिए कि मैं पहन के जाऊँगा। हाँ तो फिर कबर्ड गंदी कब तक होगी? ये रेखो संभाल के रखूंगा, वादा करो इस पे मेरे व्यूज के साथ, वादा करो जरा, वादा वादा करो। शपथ लेता हूँ, शपथ ले, ताकि मुझे मेरी शपथ ले, ताकि मैनू भी कुछ होए। ये देखे मेरी कबर्ड, मैंने आप लोगों के सामने चुटकी बजा के सही की थी, इनकी भी करूंगी आज चुटकी बजा के, ठीक ठीक है व्यूज। एक ड्यूटी मिली है कि जाओ और फ्रिज ऑफ करके आओ, क्योंकि बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं और हमारा तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। हालांकि हम लोग, आपको पता है मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से फैन भी ऑफ होता है और लाइट जल रही होती है, मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ से हम लोग अपना केयर करते हैं, मगर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हस्बैंड कहते हैं कि पहले करो स्विच को ऑफ, उसके बाद कपड़े होंगे प्रेस। तो ये मेरी ड्यूटी थी। अच्छा खैर मैं आपको ये बताऊँ, नाश्ता हम लोग ने कर लिया है, बट अभी जो है ना किचन में वो चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक है। अभी मैंने सफाई नहीं की, अभी मैं सफाई करूँगी। तो कर दिया बंद, तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा पैर जो है ना इस पर लग गई है चोट, और इसलिए मैं कल अब व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि बहुत पेन था। तो इस वजह से तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि ये मैं सही हो जाऊँ जल्दी से ना। इसका पूरा का पूरा जो नेल है ना यहाँ से, वो पूरे ऊपर को आ गया है, एवं ना ठुड्डा सा लग गया था बस। फ्रेंड्स अब उठ गया है मून और उसके लिए बना रही हूँ मैं नाश्ता, ठीक है। अब उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद फिर अगर देखती हूँ हस्बैंड की कबर्ड साफ करने का टाइम मिला तो ज़रूर करती हूँ, नहीं तो फिर एक दो और प्लान है, देखते हैं क्या करना, मतलब शेड्यूल में एक दो काम रखे हुए, अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे जो पड़ावा था ना आयरन स्टैंड, वो मैंने यहाँ से हटा के वो दूसरे वाले रूम में कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या रखना है, एम्प्टी है ये जगह, ठीक है। बाकी वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रखा है और वो देखें, वो मैंने वहाँ रख दिया था, ठीक है। तो उठो 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 उठो, ये अभी चीज़ें बिखरी हुई, और मैं इस इंसान को कह रही हूँ, इंसान मून उठ जा बेटा, उठ जा, मुझे कमरा नीट करने दो। और ये अभी हालात हो रहे हैं हमारे कमरे के, ठीक है। अभी इसको सेट वेट करते हैं। खैर सफाइयाँ तो रोज़ रोज़ ही होती हैं और गंद भी रोज़ रोज़ पड़ते हैं। और वो देखिए पीछे जो वो सारा सामान गिरा है ना, वो मैं बताती हूँ कैसे गिरा। वो गिरा है ऐसे, इससे, इसको मैंने ना जोड़ा था अपनी तरफ से, ठीक है। ये होना है ड्रिल से, तो इसको मैंने लगाया था, मैं बताती हूँ आपको, ए इधर, ये इधर लग गया था, बट पता नहीं क्या हुआ है, कपड़ों के वजन से ये गिर गया, और इसलिए अब जो है ना उसको लगाना है ड्रिल से, क्योंकि वो मेरे से लगा नहीं है सही। आई होप ये जल्दी लग जाए, क्योंकि ये मेरे से नहीं लग रहा, और इसकी वजह से ना मेरे इस वाले हाथ में ना, इस वाली फिंगर में ना, वो भी हथौड़ी भी इतनी बुरे तरीके से लगी थी। तो खैर चलें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। स्कूल नहीं जाना होता ना उस दिन, दुनिया जहाँ का आलसीपन जो है ना वो उसके अंदर आ जाता है, कूट कूट के भरी आलसी की ताकत। और इसको मैं बोल रही हूँ ड्रॉप डाल ले, क्योंकि आईज इसकी काफ़ी बेहतर होगी, काफ़ी बेहतर होगी। इधर दिखाओ, आई दिखाओ, हाँ काफ़ी बेहतर हो गई है, बट वो ढूंढ के दो मुझे मेडिसिन। तो उसको मैं कह रही हूँ वो डालो फिर भी अपने ड्रॉपर जो है वो कम्प्लीट करो, क्योंकि आई जो है ना इन्फेक्शन जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ही जाता है, तो काफ़ी बेहतर हो गया। एंड सेकेंडली उठ जाओ मून और टी शर्ट पहनो, जल्दी करो, ऐसे नहीं रहते ना, बुरी बात होती है। तो क्या कहते हैं, इसकी आदत है, शुरू से इसकी आदत है, और इसकी एक ही भी आदत है कि एसी में ना शर्ट उतार के सोता है ऐसे, और उसके बाद बोलती रहूँगी बोलती रहूँगी। अच्छा बेटा जल्दी से ड्रॉप पकड़ो, ड्रॉप मैं आपकी आई में डाल दूँ, फिर
चलो फिर मेरे साथ देने रहिए आप इसको, तो खुद तो वैसे दुनिया जहाँ की कोई चीज़ मिलनी नहीं होती है ना, कोई इसको मिलनी नहीं है चीज़। इसने सारे काम कहना कि बस माँ आप ही करके दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, इंसान को खुद भी कुछ करना पड़ता है कभी कभी, है ना। ये रो पकड़ो, टी शर्ट पहनो, फटाफट से पहनो, जल्दी करो, और उठ जा, दिमाग ना शार्ट करी मेरा, दिमाग शार्ट हो जाएगा तो भेजा ही सरक जाएगा। हमारी फ्रेंड्स वो भी है, सारे घर की सफाई ठीक है, ये देखिए ये आप देख सकते हैं सारा कुछ नीट पैक कर लिया है। और जो ये वाली साइड टेबल थी ना, ये वाली साइड टेबल थी, इसको मैंने वक्ती तौर पे अभी रखा है इधर, ठीक है, इसको मैंने रखा है इधर, ठीक हो गया। इसको मैंने इसलिए इधर रख दिया है क्योंकि जब तक ये नहीं लगता ना तो तब तक फिर मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा। अब जब ये लगेगा कुछ दिनों तक तो फिर मैं वापस ये वो वाली साइड टेबल यहाँ पर रख रखूँगी। बाकी सारा कुछ नीट एंड शीट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। छुट्टी और कोको और मून की चल रही है मस्तियाँ, मस्तियाँ पे मस्तियाँ, ये देखो हो रही मस्तियाँ, ठीक है। ओ कोको की बच्ची, अभी मोबाइल से मेरे से गिरा देना था नीचे। तो व्यूज, सारे काम से हो गई छुट्टी, और अब देखो मैं गली में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा जनाब, गली में, गली में सन्नाटा पड़ा हुआ है, सुन सन्नाटा। चलिए हम शाम के खाने ही करते हैं तैयारी, चलते हैं नीचे। इस लड़के को मैं बोल बोल कर क्यों नाशी वजह निकाला कर, ये देखिए व्यूज, देखने इसकी हेल्प है, देखे साथ साथ पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे, आजा आजा पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंद आई, आजा आजा। तो फ्रेंड्स नीचे आ चुके हैं अब हम, और अब खाना पकाने की करते हैं तैयारी, ठीक है। और आज मैंने बनाना है बिरयानी है बिरयानी, ठीक है, और उसके लिए फिर अब चिकन मैंने इसमें निकाल के पहले ही रख दिया था इसमें, ठीक है, ये मैंने चिकन निकाल के पानी में रखा हुआ है ताकि तकरीबन आधा घंटा एक घंटा हो गया इसको निकाले देना। तो चलें फिर मिलते हैं खाना बना के, निकालते हैं चावल, ठीक है। इस बॉक्स पे मैंने सुबह धो के और इसमें चावल रख दिए थे, और ये देख इसके काम देखे क्या नबीना बना। एक ग्लास, दो ग्लास बहुत है। ये प्याज मैंने कटिंग कर ली है, और ये चावल इसको भिगोते हैं, अभी धो के फिर भिगोते हैं इसको। इससे मैंने मंगवाए थे बिस्किट, अब पता नहीं बिस्किट मिले हैं कि नहीं, आ जाओ अंदर, मिल गए बिस्किट, ये बिस्किट लेने गया था, थैंक यू। ऐसे तो यार सारे टूट गए होंगे, ओह माय गॉड, कोको को खोल के देते हैं, ये जनाब सुपर से ऊपर बिस्किट खाने लगे हूँ, वेरी टेस्टी ये वाला बिस्किट, मुझे सुपर बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, और मुझे हल्की फुल्की से ना भूख भी लगी थी, मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया और बस वही जो काम शाम किया और नाश्ता सुबह का किया और काम में लगे, अभी मुझे भूख लगी थी तो मैंने कहा खाते हैं सूप। और गर्मी हो रही है सही वाली स्वेटिंग हो रही है, और ये आप देख रहे होंगे बैसाखी, ये उस टाइम की है जब हस्बैंड मेरे का एक्सीडेंट हुआ था, तो ये फिर उनसे चला भला बिल्कुल नहीं जाता था, तो फिर वो तकरीबन महीना डेढ़ इसके साथ ये उनका सहारा बनी थी बैसाखी, मेरे अलावा ये बनी थी सहारा, तो इससे चलते थे ऑफिस वगैरह जाना होता था, तो फिर ये था। तो ये पता नहीं मून ने कहाँ से निकाली इसको, तो मैंने ना छुपा के रखा हुआ था, इसने पता नहीं कहाँ से निकाल लिए है, तो कौन था दरवाजे पे बेटा, दरवाजे पे कौन था, तो दरवाजा बजाया था ना किसी ने, फिर इसको पकड़ लिया आपने, छोड़ दो इसको, इसको संभाल देंगे बाबा, बाबा हाँ बाबा कह रहे थे कि इसको जो है ना ये किसी को किसी को जरूरतमंद होगा ना उसको दे देंगे, तो आप इसको रख दो संभाल दो रखो, जब मैंने सोफे के पीछे रखा हुआ था ना वहाँ पे रखो जाके, जाओ कहाँ पे किधर रखा था।
प्याज चूल्हे पर रखे हुए हैं वो ब्राउन होते हैं, तो उसमें चिकन डाल के भून के फटाफट तो खाना तैयार करते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। ऐसे दबाएँ ठीक है। और फिर जिंदगी रहते मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हाफिज़।